नमस्कार, मैं भरत कुमार। आरआरबी बोलता है कि आपकी जो CBT 1 है जूनियर इंजीनियर वालों के लिए, CBT 1 की जो एग्ज़ाम है हम अप्रैल मई तक ले लेंगे। मतलब अभी 4 मंथ है, जनवरी चल रहा है तो ये 4 मंथ हो गए। तो हम क्या करेंगे जो ये CBT 1 का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, ये मैथमेटिक्स मतलब जो एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, चार चीज़ें। तो जो जनरल अवेयरनेस है, ये वाली जनरल अवेयरनेस है, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 नंबर के, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसकी जो मैं लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर बाई लेक्चर डेली डेली, और इसका अभी ये अप्रैल मई में एग्जाम लगेगी, तो 6 मंथ या फिर 1 साल पहले तक का करंट अफेयर के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो मैं जून जुलाई से लेकर के सारे मंथ वाइज भी जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर के, या फिर ऐसे भी अपलोड करता हूँ तो आपको पता होगा, उन क्वेश्चन को आप देखते रहो। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन पहले भी किन्हीं और चैनल, यूट्यूब के किसी और चैनल के देखते हो, या फिर कुछ आप बुक पढ़ते हो उनको पढ़ते रहो, ठीक है। उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ स्पेशल फॉर रेलवे JEE, ओके, तो उनको भी आप देखना। उससे आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, 5-7 मिनट का लेक्चर वीडियो होता है, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप जो देख रहे थे पहले करंट अफेयर के लिए, उनको भी देखते रहना और इन वीडियोज़ को देखते रहना, उनसे आपकी जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जनरल साइंस के लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रेलवे के जूनियर इंजीनियर के लिए पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उससे आपका ये जनरल साइंस वाला पोर्शन भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम CBT 2 की अगर बात करें तो CBT 2 का सिलेबस ये है, CBT 2 का सिलेबस ये है। इसमें भी ये जो जनरल अवेयरनेस है वो उन्हीं से कवर हो जाएगी। अब CBT 1 अगर कंप्लीट होगी, आपकी एग्जाम लग जाएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट में जो 15 गुना लड़के लेंगे वो, ठीक है, 15 गुना स्टूडेंट्स लेंगे, उसके बाद में CBT 2 लगेगी, मतलब ये उसके बाद में लगेगी। तो उसके बीच का जो करंट अफेयर होगा वो भी इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन हम तो डेली बाय डेली लेक्चर्स अपलोड करते ही हैं, तो उनसे आपका ये वाला पोर्शन भी कवर होता रहेगा, ठीक है। आप डेली बाय डेली लेक्चर्स देखोगे तो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप 10th स्टैंडर्ड की कोई भी CBSE बुक उठाओ, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें से पढ़ डालो, 3-4-5-7 बार पढ़ लो, उनको बार बार याद हो जाएंगी, ये चीज़ें रहती है, ठीक है। ये बेसिक कंप्यूटर के लिए भी बेसिक क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल के लिए मैंने इसमें अपने कौन कौन सी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हाईवे और सर्वे, चार चीज़ कंप्लीट कर रखी। आप उनके लेक्चर्स देखना, ठीक है, और इसमें जो लंबे क्वेश्चन है, कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है, वो जहाँ पर आए वहाँ पर वीडियो को आप कट कर देना, ठीक है, वहाँ पर आगे बढ़ जाना। उन क्वेश्चंस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस छोटे होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, वो आपको कैलकुलेटर देंगे एग्जाम में, स्क्रीन पर CBT 2 में स्क्रीन के ऊपर आपको कैलकुलेटर देंगे, कैलकुलेटर गेट के जैसा कैलकुलेटर हो सकता है, इसलिए आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड ऐप है, गेट कैलकुलेटर वाली एंड्रॉयड ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से यूज़ करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल की और अगर बात करें हम, तो इसमें मैं RCC और अभी अपलोड स्टार्ट करूँगा RCC। तो RCC का सिर्फ जो थ्योरी पार्ट है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसी वैसी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जहाँ पर लंबे क्वेश्चंस आएंगे कन्वेंशनल टाइप के उनको स्किप कर दूंगा अभी RRB के लिए, तो ठीक है। बाकी फिर IAS गेट के लिए पढ़ेंगे, उसमें तो कंप्लीट जो नोट्स है उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। RCC के बाद में फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका वहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ी लोगे, ठीक है, ये कंप्यूटर वाले भी कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। अब देखो, अपने जो टेक्निकल में एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, उसमें एक चैप्टर है ये बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, तो ये वाला जो 10 नंबर के क्वेश्चन है ये वहाँ से कवर हो जाएगा, इसी टेक्निकल एबिलिटी से ही ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ रह जाती है, अब रह जाती है, ये तो सारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा आप पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको, इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो CBT 1 में दो चीज़ें रह गई, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अब ये इसका मतलब, अब ये नहीं है कि मुझे ये मैथमेटिक्स और ये एप्टीट्यूड रीजनिंग आती नहीं, आती तो है, लेकिन अगर जो वीडियो अपलोड करूँगा उनमें रेस्पॉन्स अच्छा रहा, स्टूडेंट्स का व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो हम फिर ये मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस भी फटाफट में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आती है मेरे को, वो फटाफट बतानी है मेरे को, ठीक है। तो अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो फिर इन दो को अपलोड करेंगे, नहीं तो अगर रेस्पॉन्स नहीं रहेगा वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर वीडियो के ऊपर वीडियो अपलोड करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट है फालतू का, ठीक है। अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो फिर इनको भी हम कवर करेंगे, ये चीज़ मुझे इसमें बतानी थी। और दूसरी बात कि इसमें जो कैलकुलेटर वो अलाउ करेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट आ सकती है और नहीं भी आ सकती। जैसे थोड़े दिनों पहले अभी जो BPSC का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था, सिविल इंजीनियर वालों के लिए मैकेनिकल की थर्मोडायनमिक्स वगैरह 4-5 सब्जेक्ट उन्होंने सिलेबस में दे दी थी, तो लड़कों ने क्या किया, वो सब्जेक्ट पढ़ने में लग गए, खुद के सब्जेक्ट कम पढ़ने लगे, वो ज़्यादा पढ़ने लगे, उनको लगेगा कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्जाम में उनमें से एक या खींच के 2 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन आए थे,
तो ये इस तरह से एग्जाम कन्फ्यूज़ करने के लिए भी सिलेबस दे देते हैं। अभी बोल रहे कि इसमें कैलकुलेटर देंगे, तो क्या ऐसी भी कैलकुलेशन आ सकती है कि कैलकुलेटर का यूज़ हो ही नहीं, और हो तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन में हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम सीधे शॉर्ट वाले करेंगे, क्योंकि एक नंबर के में एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 नंबर के पूछेंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे वो, इतना भी नहीं देंगे। फॉर्मूले पूछेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूले पूछेंगे, कुछ कुछ याद करने वाली चीज़ें पूछेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपकी, जो लेक्चर अभी अपलोड हो रहे हैं करंट अफेयर के, उनको आप देखते रहो। आप पहले जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते थे किसी लेक्चर किसी चैनल के ऊपर यूट्यूब पर, या फिर आप कोई बुक पढ़ते थे, उन बुक को पढ़ते रहो। साथ में जो 5-7 मिनट का वीडियो रहता है मेरा, ठीक है, डेली बाय डेली, और जो मंथ वाइज भी है उनको भी आप देख लेना, उनसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, कुछ ना कुछ काम आएगा ही वो, ठीक है। उसके बाद में जो IAS वाले जो लेक्चर्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और कौन सी हाईवे एंड सर्वे, 4 कंप्लीट कर रखी है, उसकी आप थ्योरी थ्योरी पार्ट वापस से देख लो एक सारे, जहाँ पर कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन आए वहाँ पर वीडियो को कट कर दिया करो, फिर आगे बढ़ जाया करो। बाकी RCC में वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, RCC के बाद में स्टील कर लेंगे, ठीक है, सोइल कर लेंगे, इनके थ्योरी थ्योरी बतानी है, थ्योरी तो मैं फटाफट बता दूंगा, क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे, थ्योरी थ्योरी बतानी है, बहुत चीज़ें आपको पता होगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा उनको बार बार में, ठीक है, ये चीज़ें मुझे बतानी थी। और दूसरी बात ये कि जो मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको आप शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर रेस्पॉन्स रहेगा, तो और वीडियोज़ भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। यही आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप चैनल को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट वगैरह भी किया करो कि किस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर अलग मेथड यूज़ करूँ, या फिर अलग वे यूज़ करूँ समझाने का, तो ये आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा, नहीं तो मुझे जैसा आता है वैसे ही बताते रहूँगा, ठीक है, ओके। और तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनसे हम हमारा JEE के लिए सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, नमस्कार।